नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में कि केतु के कमजोर होने के लक्षण क्या हैं और उन्हें स्ट्रांग कैसे बनाना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम तरह की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि यदि आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो के पसंद आने पर लाइक व शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको बता रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। इंसान को आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी आदतें होती हैं, तो केतु ग्रह इंसान को बुरी आदतों की तरफ ढकेलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में केतु दोष होता है उनके अंदर बुरी आदतें पनपने लगती हैं और इन समस्याओं का सामना आपको ऐसे में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में राहु के अलावा केतु दोष भी लग जाए तो जिंदगी में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जातक कई बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। इतना ही नहीं, राहु और केतु की यदि बुरी दशा होने के कारण आपके पत्रिका में कोई बुरी स्थिति है और उनकी दशा चल रही है तो काल सर्प दोष भी यहाँ पर बनता है और इसका सामना भी करना पड़ता है। अगर जातक की कुंडली में केतु की महादशा हो तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु का स्वभाव क्रूर होता है जिसके कारण यह तर्क अधिक करते हैं, बुद्धि होते हैं, ज्ञानी और वैराग्य भी होते हैं और साथ ही मानसिक गुणों का कारक केतु को माना जाता है। ऐसे में केतु के दुष्प्रभाव जो होते हैं इनसे बाहर निकलने के कुछ खास उपाय होते हैं। केतु के प्रकोप के जो लक्षण होते हैं, यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह खराब स्थिति में है तो आपको कुछ अलग प्रकार से संकेत मिलेंगे जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसका सबसे ज़्यादा असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, जोड़ों में दर्द हो जाना, शरीर की नसों में कमजोरी होना, सुनने की क्षमता पर असर पड़ना, सही से सुनाई ना देना और साथ ही खांसी से संबंधित समस्याएं आदि उत्पन्न होना, संतान प्राप्ति में रुकावट आना, रीढ़ की हड्डी में किसी न किसी प्रकार की समस्या होना, पथरी की समस्या होना, संतान को किसी न किसी तरह से कष्ट होना। अब ये सारी समस्याएं केतु के खराब होने से होती हैं, लेकिन केतु को शांत कैसे करें? तो केतु दोष से छुटकारा पाने के लिए रोजाना आप इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। मंत्र है ओम त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। केतु ग्रह को शांत करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। शनिवार के दिन एक लोटे में थोड़ी सी कुशा और दुर्वा रख करके पीपल के जड़ में अर्पित करें। केतु के प्रकोप को कम करने के लिए भगवान हनुमान जी, गणेश जी और माता दुर्गा की पूजा करें, आराधना करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और साथ ही रविवार के दिन कन्याओं को मीठा दही और हलवा अवश्य खिलाना चाहिए। कृष्ण पक्ष में पके हुए चावल में थोड़ा सा दही काले तिल मिलाकर एक दोने में कटोरे में भर लें और उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाएं। ऐसा करने से भी केतु शांत होते हैं और केतु से ऐसे में आप शांत होने की प्रार्थना कर सकते हैं हाथ जोड़ करके। इसके अलावा त्रयोदशी तिथि को केतु संबंधी व्रत आप रख सकते हैं। त्रयोदशी व्रत भगवान शिव का होता है, इसमें केतु के उपाय भी आपको मिलेंगे, केतु के समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लहसुनिया रत्न धारण करना भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होता है और साथ ही केतु ग्रह को शांत करने के लिए आप उड़द, गर्म कपड़े, लोहा, छाता, कंबल आदि का दान कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्य करने से आपके केतु ग्रह यदि किसी भी प्रकार से खराब स्थिति में है, आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो वो अशुभ फल मिलना कम हो जाएगा और आपकी शुभता में, शुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। काल सर्प दोष यदि आपको किसी ने बता रखा है कि पत्रिका में है तो उसका निवारण भी इन्हीं उपायों के माध्यम से आप कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान यहाँ किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।